आईपीएल आ चुका है और थिएटर्स में कोई अच्छी मूवीज नहीं आ रही है, बट मैच आता है शाम को, शाम से रात तक चलता है मैच। बाकी के समय में अगर कोई मूवीज देखनी हो अच्छी मूवीज, तो कौन सी मूवीज देखे टेंशन मत लीजिए, मेरे पास है 3 ऐसी मूवीज की लिस्ट जो कि आपका दिमाग एकदम से हिला देगी। और इस वक्त ये मूवीज घर पे आप बैठ के फ्री में हिंदी में आप देख सकते हो। इस लिस्ट में पहली मूवी है सोनी लिप पे आई ब्रह्म युगम। इस मूवी को बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा, बट मैं फिर भी बता दूं, मैंने हाल फिलहाल में ये मूवी देखी और मेरा दिमाग एकदम ब्लो हो गया इस मूवी को देख के। IMDB पे इसकी रेटिंग 8 है और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आप लोगों ने तुम्बाड मूवी देखी होगी या फिर कांतारा, तो उसी टाइप की, उसी से रिलेट की जा सकती है ये मूवी, उसी से रिलेटेबल है। थोड़ी बहुत आपको फील आएगी कि वैसी ही कुछ मूवी मैं देख रहा हूँ। तो ये मूवी बेसिकली 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, थेवन, पोटी और एक कुक। पूरी की पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में है, बट टेंशन मत लीजिए, ये मूवी इतनी ज़बरदस्त है, मतलब इतना इंटेंस ये मूवी है, आपको पकड़ के रखेगी और एक सेकंड के लिए भी इधर उधर कहीं आपको जाने नहीं देगी। बेसिकली ये कहानी 17th century के आसपास की है, जब एक कैरेक्टर है थेवन नाम का, वो भटक जाता है जंगल में। वो एक नदी पार करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पार नहीं कर पाता और एक घर में चला जाता है जहाँ एक रसोईया है और एक घर का मालिक है। वो लोग वहाँ उसे रुकने की इजाज़त दे देते हैं और वो आदमी थेवन जो है कैरेक्टर, वो बहुत ही खुश होता है कि रहने के लिए आश्रय और खाने के लिए खाना मिल रहा है एक जगह पे, और वो बहुत आभारी रहता है उन लोगों का। बट उसे पता नहीं रहता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। धीरे धीरे उसे पता चलता है उस घर का राज और वहाँ का जो मालिक है पोटी, उसका राज उसे धीरे धीरे मालूम पड़ता है उस रसोइये की मदद से, कि यहाँ पे आके चल क्या रहा है। वो अगर भागना भी चाहता है उस घर से, तो भी वो भाग नहीं पाता है, वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। एक सर्कल है घर के आसपास, मतलब वो दिखाई नहीं देता, बट उस सर्कल को आप क्रॉस नहीं कर सकते और वो वहाँ फंस जाता है बहुत बुरी तरीके से। बट धीरे 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 उसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं, और उसके बाद वो प्लान बनाता है कुछ वहाँ से निकलने का। और ये प्लान थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी रहता है, थोड़ा अनसक्सेसफुल भी। ये तो आपको कहानी देख के पता चलेगा, अगर मैं सब कुछ स्पॉइलर कर दूंगा तो मज़ा एकदम किरकिरा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी मूवी है, एकदम मस्ट वॉच। उसी नंबर पर मूवी है पोर थ्रोजिल। ये IMDb पे 8 रेटिंग के साथ थ्रिलर एक्शन मूवी है और ये आपको सोनी लिप पर हिंदी में अवेलेबल। ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री है, यहाँ पे 2 ऑफिसर्स एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जाते हैं। एक सीरियल किलर है जो कि बहुत ही बेरहमी से फीमेल्स का शिकार कर रहा है, हर कुछ दिनों के इंटरवल पे वो फीमेल्स को मार रहा है और कोई भी पता नहीं लगा पा रहा कि वो कैसे कर रहा है और वो इंसान कौन है। बहुत ही खूबसूरत मूवी है ये, इसका स्क्रीन प्ले इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है और फिल्माया गया है कि बहुत अच्छा लगता है ये देखने में भी, और इसे आप हिंदी डब में भी इंजॉय कर सकते हैं। हिंदी डबिंग इसकी बहुत ही अच्छे से की गई है। 7.5 IMDb रेटिंग के साथ तीसरी मूवी हॉट स्टार पे हिंदी डब में अवेलेबल है, जिसका नाम है रोमांचम। एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें 6-7 दोस्त हैं जो एक रूम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, कोई काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कॉलेज जाता है, तो ये लोग साथ में रहते हैं, इंजॉय करते हैं खूब। थोड़े बहुत कॉमेडी सीन्स हैं शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, बट ट्विस्ट तब आता है जब इन्हें एक गेम मिलता है, ओइजा नाम का एक गेम है, बोर्ड गेम, जिससे आत्माओं को बुलाया जाता है। शुरुआत में तो वो खुद उस बोर्ड को हिला रहे थे और अपने दोस्तों को और सभी लोग को बेवकूफ़ बना रहे थे कि ये जो हो रहा है वो एक आत्मा कर रही है, इन सारे सवालों का जवाब भी दे रही है। बट मज़ा तब आता है जब उन दोस्तों को भी कुछ आंसर नहीं पता होता है और वो बोर्ड अपने आप ही, उनका जो फिंगर है वो अपने आप ही चलने लगता है और एकदम सही आंसर देने लगता है उस बोर्ड पे, तब उनके होश उड़ जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हुआ। ये मूवी आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। एक हॉरर और कॉमेडी को कैसे मिक्स करके बनाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको स्त्री मूवी अच्छी लगी थी, तो उसके बाद मेरी बेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी रोमांचम है और आप इसे बिल्कुल फ्री में हॉटस्टार पे इंजॉय कर सकते हैं।